Hey readers, welcome back to our channel Unboxing Perspectives. So I am Kanika and I brought to you today some Bollywood movies which are based on some English novels and which we never knew were an adaptation of some English books. So continue with us in this video and let's surf out in the Bollywood movies to know which are the movies based on some English novels. Before proceeding with the video, I would like to request you, please click on the subscribe button as well as the bell icon so that you are notified with every new book that we are reading, every new movie that we are watching and the music that we are recommending. So let's begin with the video. The first movie that I would like to tell you is well known to each and everyone, which is Dil Bechara starring Sushant Singh Rajput. And yeah, this movie is based upon an English novel that is Fault in Our Stars by John Green. Now this movie is adaptation of that novel and that was declared previous, and they tried to maintain the same pace as that of 49 stars. तो ये जो मूवी है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने एक्ट किया था, उस मूवी में हमने ये देखा है कि काफी सारे फैक्टर्स उन्होंने सेम लेने की कोशिश की है, बट अगर हम मूवी को बुक या इसके ओरिजिनल इंग्लिश वर्जन से कंपेयर करें तो ये मूवी काफी डाउन टोन में चली जाती है और उसमें वो मजा नहीं है जो कि इस मूवी में या इस बुक में था. सो दैट इज द माइनस पॉइंट इन दिस मूवी. या दो द सॉन्ग्स आर ब्यूटिफुल, बट यहाँ पे हमारे पास एक स्टोरी या एक कैप्चरिंग फील्ड लैकिंग. So this was the movie Dil Bechara based upon Fault in Our Stars. जो हमारे पास तीसरी मूवी आई है, जो थर्ड मूवी हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं, वो होगी The Girl on the Train. Now इस मूवी का नाम और बुक का नाम भी सेम है. The book is The Girl on the Train by Paula Hawkins and ये मूवी इस बुक पे बेस्ड है. कम्प्लीटली इसका सिनेरियो, इसका लोकेशन सब कुछ उसी तरीके से लिया गया है. लंदन बेस्ड है. एक लड़की है जो ट्रेन में ट्रेवल कर रही है और काफी सारे लोगों को देखती है वो ट्रेन की खिड़की से, अपने assumptions बनाती जाती हैं. But हाँ, इस movie के end में इन्होंने काफी changes किए हैं. इसका suspense इन्होंने एकदम change कर दिया है, बिल्कुल modify कर दिया गया है. तो यहाँ पे बहुत सारे changes आपको देखने को मिलेंगे, in spite of the fact कि इन्होंने scene to scene पुरानी उस movie से लिया गया है, जो कि English novel है इसी same book के ऊपर based. इसका एक English version आया है, Hollywood movie आई है आपकी The Girl on the Train with the same name. और फिर आपके पास आए हैं एक और हिंदी movie The Girl on the Train. तीनों ही मूवी बुक सब एक ही नेम से हैं, बट हाँ हिंदी मूवी में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज किया गया है और इसकी वजह से इस मूवी को भी हमने राउंड वोट किया और इसको हमने अच्छा नहीं माना है. दिस मूवी इज नॉट अ गुड मूवी टू गो टू, बट या आपको इस नॉवेल की बहुत सारी बेसिक चीजें इसमें मिलेगी. एंड को बहुत ही डिजास्टरसली इन्होंने यहाँ पे चेंज किया है. सो दिस वॉज द थर्ड मूवी जो कि आपकी नॉवल पे बेस्ड है, दैट इज द गर्ल ऑन द ट्रेन. जो फोर्थ मूवी हम आपको बताने जा रहे हैं वो भी काफी वेल नोन मूवी है, दैट इज गुजारिश स्टारिंग ऋतिक रोशन एंड ऐश्वर्या राय. ब्यूटिफुल म्यूजिक एंड ब्यूटिफुली पोर्ट्रेट मूवी. ये जो मूवी है ये एक इंग्लिश लव स्टोरी मी बिफोर यू से लिया गया है और इसमें एक स्टोरी है जिसमें एक मजिशियन है जो कि ड्यूरिंग परफॉर्मिंग एनी मैजिक ही इज क्रिपल्ड बिलो नेक और वो व्हील चेयर पे हैं, वो उठ नहीं पाते हैं. उनकी नर्स है जिसका रोल ऐश्वर्या राय ने यहाँ पे प्ले किया है और इस तरीके से वहाँ पे उनका किस तरह से वो ख्याल रखती है, किस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें सुसाइड की यानी कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन, उनके अपनी सुसाइड करने की परमिशन उनको मिल जाए और इस तरीके से उसकी स्ट्रगल दिखाई गई है. ऋतिक रोशन हैज एक्टेड वंडरफुली इन दिस मूवी. द सॉन्ग्स आर ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट एंड ऑफ कोर्स देयर इज ऐश्वर्या राय. बट हाँ, इसमें कुछ बेसिक चेंजेस किए गए हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. यहाँ पे जो रिलेशनशिप बिटवीन ऋतिक रोशन एंड ऐश्वर्या राय है दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द बुक एंड इसकी एंडिंग काफी चेंज कर दी गई है. इसकी एंडिंग वैसे नहीं है जैसे कि बुक के अंदर है, बट येट इट इज अ ब्यूटिफुल मूवी. अगर आप इसे बुक से कनेक्ट करके नहीं देख रहे हैं तो आपको ये बहुत ही पसंद आने वाली मूवी है. इसको हमने ऑलवेज अपोर्ट किया है. बट हाँ, इसके अंदर आपके पास एक और इंग्लिश मूवी है मी
मी बिफोर यू के नाम से. सो द मूवी एंड द बुक आर विद द सेम नेम. आपका जो मूवी है मी बिफोर यू और जो बुक है मी बिफोर यू दैट इज ऑलमोस्ट द सेम एक्सेप्ट फॉर सम चेंजेस ऑफ कोर्स. बट हाँ, यहाँ पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बनाई गई है गुजारिश जो कि पूरी स्टोरी इसी से लेती है. ओके, देन मूविंग ऑन, द फिफ्थ मूवी इज आयशा स्टारिंग सोनम कपूर. यस, यू हर्ड मी राइट. आपका जो फिफ्थ मूवी है आयशा, जो कि सोनम कपूर और अभय देओल को स्टार कर रही है, वो भी आपके एक इंग्लिश बुक से उठाया गया है. इंग्लिश बुक का नाम है एमा, जो कि एक ऐसी लड़की की कहानी है जहाँ पे वो लड़की रिच है, स्पॉइल्ड है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है और उसको ऐसा लगता है दैट शी इज द बेस्ट मैच मेकर. वो अपने फ्रेंड्स का मैच मेकिंग में इन्वॉल्व रहती है एंड ग्रेजुअली उसको ये रियलाइज होता है कि वो गलत कर रही है. हो सकता है कि उसकी वजह से कुछ लोगों की फीलिंग इफेक्ट हो रही हो और वो एक्चुअली में सही नहीं कर पा रही है, सही लोगों को मैचअप नहीं कर पा रही है. जब उसका एक डिजास्टर्स इवेंट वहां पे हो जाता है तो उसके कारण उसे बहुत सारी चीजें रिवील होती है. सो द कैरेक्टर आयशा इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सिमिलर सर्कमस्टांसेस. वो इसमें एमा का रोल प्ले कर रही है और उनके पास में उनके दो फ्रेंड्स हैं जिनको वो कम्प्लीटली टर्नअराउंड कर देती है और उसके बाद में वो कोशिश करती है वो किसी तरीके से उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ लिंकअप कर पाए. बट लेटर ऑन इट गोज टू एन हैप्पी एंडिंग. सो दैट इज द मूवी बेस्ड अपॉन द नॉवल एमा बाय जेन ऑस्टन. सो जेन ऑस्टन इज क्वाइट वेल नोन टू राइट सच नॉवल्स व्हिच इज बेस्ड अपॉन द स्टोरी ऑफ अ वुमन. एंड सो दिस इज वेयर इट कम्स इनटू प्ले कि आपकी जो मूवी है आयशा दैट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन जेन ऑस्टन नॉवल एमा. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बुक जो हमारे पास में आ रही है आपकी, मूवी का नाम है ओमकारा. ओमकारा जो है वो भी एक प्ले दैट इज शेक्सपियर का जो प्ले है ओथेलो, उसे लिया गया है. डायरेक्टेड बाय विशाल भारद्वाज एंड एक्टेड बाय सैफ अली खान, विवेक ओबरॉय एंड देयर इज अ मल्टीपल स्टार कास्ट. तो ये जो स्टार कास्ट है ये इन्होंने ओथेलो के प्ले से लिया गया. हाँ, बहुत सारे कल्चरल चेंजेस हैं, जैसे कि वो बेस्ड इन यूपी है, उनकी लैंग्वेज में फर्क है एंड इनफैक्ट लंगड़ा त्यागी का जो कैरेक्टर है वो भी काफी हद तक चेंज किया गया है. बट द बेसिक प्लॉट, द पॉलिटिकल व्यूज एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स, वो सब चीजें और एक जो आपका बैकग्राउंड क्रिएशन है, जो कैरेक्टर क्रिएशन है, वो सब कुछ उस प्ले से लिया गया है दैट इज ओथेलो. सो इट इज क्वाइट वेल नोन फैक्ट कि ओमकारा और ओथेलो में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हमने देखी है. सो दैट इज बेस्ड अपॉन विशाल भारद्वाज पर्सपेक्टिव एंड उन्होंने वहां पे इसमें इसके अलावा भी शेक्सपियर के काफी सारे नॉवेल्स को यहाँ पे चेंज किया है. शेक्सपियर का एक प्ले है हैमलेट, जो विशाल भारद्वाज ने ही हैदर में कन्वर्ट किया था. यस, हैदर इज द नेक्स्ट मूवी स्टारिंग शाहिद कपूर, तब्बू एंड इरफान खान. सो अब तब्बू स्टोल द प्ले ऑफ कोर्स, बट देयर इज शाहिद कपूर एंड ही हैज हिज मदर एज तब्बू एज हिज मदर. सो जब वो वापस आते हैं द प्ले, पूरा आपका जो प्ले है, जो मूवी है, दैट इज सेट अप इन कश्मीर व्हिच गिव्स एन एंटायरली डिफरेंट ऑरा टू इट. पूरी मूवी इस ऐसे बेस्ड है कि शाहिद कपूर के फादर की डेथ हो जाती है इन अननोन circumstances and then his mother Tabu marries off to his uncle and later on उसको पता चलता है कि किस तरीके से इस conspiracies के through वहाँ पे ये शादी की गई है और उनका father का murder हुआ था और इस तरीके से वो revenge लेने के लिए वहाँ पे जाते हैं. वो act करते हैं कि वो he got stuck and he is mad now, but वो सब चीजें, वो सारे factors आपके इस play में से लिए गए हैं. एंड विशाल भारद्वाज में बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत ही वंडरफुली उन लोगों को यूज किया, उनके एक्टिंग्स को यूज किया है और उस तरीके से उसको प्रेजेंट किया है दैट इट इज अ मास्टरपीस. सो हैदर इज अ प्लस पॉइंट, यू शुड सी इट वेदर यू हैव रेड द प्ले और नॉट. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट विशाल भारद्वाज, वी कैन नॉट लीव आउट मकबूल विच इज बेस्ड ऑन अगेन अ सेक्सुअल प्ले मैकबेथ. सो आई थिंक कि वी हैव अ लॉट ऑफ सेक्सुअल प्लेज गोइंग अराउंड अस एंड देयर आर लॉट ऑफ मूवीज based on them because of the integrity of the characters. और जिस तरीके से वो लिखते थे उसको हम बहुत ही आसानी से हमारी इंडियन मूवीज में इंडियन कंसेप्ट के साथ में डाल पा रहे हैं. तो सारी बुक्स, सारी मूवीज वो हैं जिन्होंने उन बुक्स से बेसिस तो लिया है बट वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस किए हैं. तो और जो नेक्स्ट मूवी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ काफी पुरानी है, दैट इज आंखियों के झरोके से, दैट इज स्टारिंग सचिन एंड सारिका.
So that is a movie that range quite a lot back, and the book it is based upon is A Walk to Remember. So Walk to Remember is a novel जो कि based है एक ऐसी कहानी पे जिसमें there is a guy and who is quite extrovert and he is well known in the college, he is very good, doing well, and then there is a girl who is quite introvert and very good in her studies, but later on when they come together उनको पता चलता है कि लड़की को किसी तरह का cancer है, that is leukemia, that is a blood cancer, and she does not have long to live. और वहाँ पे रोल आता है उस हीरो का जहाँ पे वो ये समझता है, जहाँ पे उसका एक जर्नी दिखाया गया है कि कैसे वो एक कॉलेज गोइंग किड से कन्वर्ट हो रहा है एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के अंदर. वो अपने ड्रीम्स को ढूंढता है, वो उन्हें चेज करता है, एंड ही बिकम्स क्वाइट अ सक्सेसफुल पर्सन, राइट? सो दिस इज द स्टोरी फ्रॉम द वॉक टू रिमेंबर और अखियों के झरोके से. There are more such movies जिसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, that is the book based upon Jeffrey Archer. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, I will give you the link above as well as in the description box. आप उस वीडियो को जरूर देखें. तो वहाँ पे हमने दो मूवी का नाम लिया है, that is Good Girls, which is starring मिस्टर जितेंद्र कपूर एंड शत्रुघ्न सिन्हा. तो उनकी भी कहानी ऐसी ही है कि दो लोग हैं, एक ही दिन का उनका बर्थ है, और उसके बाद में किस तरह से उनकी डेस्टिनी इंटरमिंगल करती है, किस तरीके से वो मिलते हैं, किस तरीके से वो एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, क्या डिसीजन है, कैसे है, तो ये सब उसी के ऊपर बेस्ड है. तो वहाँ पे भी इस मूवी के अंदर बहुत ही स्पेसिफिकली उस वक्त बहुत ही अच्छे तरीके से उसको दिखाया गया है. द नेक्स्ट मूवी, उसका नाम भी आपको शुरू के शौक लग सकता है, दैट इज द लेडीज वर्सेज रिकी बहल. तो ये मूवी भी जेफरी आर्चर की ही एक बुक है, नॉट अ पेनी मोर नॉट अ पेनी लेस, उसके ऊपर बेस्ड है. तो यहाँ पे भी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, बहुत सारे इंडियन तड़का है, बहुत सारे इंडियन सॉन्ग्स हैं, बट या ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे इंडियन मूवीज में, हमारे इंडियन बॉलीवुड में बहुत सारी सी चीज़ें इन्होंने एक्सेप्ट और अडॉप्ट की हुई है जो कि अदर नॉवेल्स के ऊपर बेस्ड है. ये मूवीज इंटायरली उन नॉवेल्स की स्टोरीज को नहीं लेती हैं. ऑब्वियसली देर आर कल्चरल चेंजेस, देर आर बैकग्राउंड चेंजेस, वहाँ पे आपके बहुत सारे इम्पैक्ट्स चेंज होते हैं, उनके एंडिंग्स चेंज की जाती हैं, बट हाँ इनकी एक स्टोरी इनसे जरूर ली रही है. तो हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे एक्सप्लोरिंग एरियाज हैं. आई होप आपने मूवीज देखी हैं, और अब जब हमने कहा कि आपको रीडिंग हैबिट कैसे बनेगी, तो हमने रिसेंटली वीडियो किया जिसमें हमने कहा कि अगर आप एक रीडर बनना चाहते हैं बट अब तक आपने रीडिंग स्टार्ट नहीं की है या आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मूवीज देखनी चाहिए, और जिस तरह की मूवीज आपको पसंद है आपको जनरली उसी तरह की किताबें भी पसंद आएगी. तो वो वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखा है, आई विल गिव यू द लिंक इन द कार्ड सबो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. तो आप वहां पे जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप भी एक रीडर बनना चाहते हैं तो आपको कैसे उसको स्टार्ट करना चाहिए, कैसे उसको हैबिट बनाना चाहिए, राइट? पर फॉर टाइम बीइंग अगर आप इन मूवीज को देख रहे हैं, इससे जुड़ी हुई बुक्स को जरूर पढ़ें. आप अगर इन बुक्स को पढ़ते हैं आपको वो बुक्स जरूर पसंद आएगी, और आपको इसी तरीके से धीरे धीरे थोड़ी रीडिंग हैबिट बन सकती है. तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें अगर आपने इन बुक्स को पढ़ा है और आपको वो अच्छी लगी, डिड यू एंजॉय देम, एंड अगर मैं कुछ मिस आउट कर गई हूँ तो आप उन मूवीज को भी नीचे मेंशन करें ताकि हम भी उन मूवीज को देखें और एंजॉय कर पाएं और कनेक्ट कर पाएं, राइट? सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैप्पी रीडिंग. इन केस यू आर लाइकिंग आवर फोर्स, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एज वेल एज द बेल आइकन, बिकॉज ये हमें एनकरेज करता है आपके पास और कंटेंट लेके आने के लिए. और आई होप दैट यू आर लाइकिंग दिस. सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैप्पी रीडिंग.